आज पूरा दिन भर कई कई बार क्या होता है कि मैं बिना कंघी के भी चली भी जाती हूँ। फील्ड पे गए हुए थे हम, तो अभी ये हैं तो ये यहाँ स्वेटर चेंज हो रही है क्योंकि आज है, संडे का दिन है और इन्होंने पैसे ले लिए हैं और ये जा रहे हैं और ये मैगी के लिए। मैंने बुनी थी ना ये स्वेटर, इसमें मैंने बहुत प्यार डाला था, बहुत सारा प्यार। और ये तो मेरी थी। हाँ, इसको शानवी ने भी पहनना है, मिठू ने। वैसे मिठू के लिए बनाई गई थी ये ना, पहन लेते थे क्योंकि मैंने बहुत लंबी। ये ना पहले ये नीटिंग का काम करती थी, नीटिंग के वीडियो बनाती थी। यूट्यूब के लिए नीटिंग सीखी थी, सच बात बोलो तो। और बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन थे, और बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन में मेरे को खुद भी विश्वास नहीं होता था कि मैं ही बनाती। और ये जो डिजाइन है ना, मतलब ये मैंने 2-3-4-5 डिजाइन जो भी थे ना, जो जो मतलब उस टाइम पे मैंने सीख रखे थे सब। ये देखो ये अलग है, हम दिखाते हैं। ये अलग है देखो ना, फिर ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, सब अलग अलग डाला हुआ था। और ये मैंने हाई नेक की बनाई हुई थी ना तब भी, और इसका वीडियो भी चैनल में है। हाँ, जनरल ओल्ड वीडियो पे आप क्लिक मारोगे तो बहुत सुंदर बना था। फिर नहीं ये तो देखो, मतलब तब किस चीज अपने हाथों से बनाई हुई चीजें ऐसी होती हैं। तो अब वो जाकर के तब मैं इनको ओरे परे के लिए बनाती थी। मेरे लिए तो कुछ बनाया नहीं था, आपके लिए मैं बताती हूँ। आप जैसे झूठों के लिए भी मेरे पास होता है सब कुछ। और ये देखो, ये मैंने ना सबसे पहले, ये भाई तूने नहीं बनाई थी ये? हाँ जी, मैंने ही बनाई थी ये, सबसे पहले मैंने बनाई थी ना, और इनके लिए बनाई थी ये। फिर इन्होंने नहीं पहनी थी, फिर इन्होंने नहीं पहनी थी ना, फिर मैंने डैडी को बोला मैं कि भाई आप पहनो, मैंने बहुत प्यार से बनाई है। नहीं नहीं मैं पहन लूंगा यार ये। फिर डैडी पहनते तो थे ना, पर डैडी का ना मतलब जैसे उनका पेट बड़ा था थोड़ा सा ना, वो हेल्दी थे इनके कंपैरिजन में, तो फिर उनको टाइट सी फील होती थी। पर वो मतलब फिर भी मेरी खुशी के लिए एक दो बार उन्होंने पहनी है। और बाकी इनको फिर मैंने बोला मैं कि देखो मैंने इतने उससे बनाई, और ये गला वाला ये मतलब ये शायद मैंने गला जो है ना मम्मी की हेल्प ली है इसमें, गले बनाने में मुझे नहीं आता था। छोटे तो फिर ये डिजाइन में दिखाना चाहती थी एक्चुअली। ये आप ही आ जाओ आगे। तो ये वाला डिजाइन डाला था इसमें, बड़ा सिंपल डिजाइन था ये। अब तो खैर अब मुझे ध्यान भी नहीं रहा और इतना नहीं, पर उस वक्त क्या होता था कि मैं जैसे इनकी मम्मी की स्वेटरें मिलती थी ना मेरे को कोई भी, इनकी मम्मी भी मतलब निटिंग करते थे, मतलब गांव में ना सभी लेडीज मैक्सिमम लेडीज नीटिंग करती करती हैं, पर कुछ एक लेडीज भी उनके डिजाइन बहुत प्यारे प्यारे होते थे। मम्मी भी बहुत प्यारे प्यारे डिजाइन बनाते थे। मेरी जो सिस्टर लता वो भी बहुत अच्छी नीटिंग करती है। हाँ, वो भी करते हैं लेकिन वो ना मतलब थोड़ा भूल जाते हैं वो। हाँ, यार। और जो आपकी मम्मी के डिजाइन देखे ना, फिर मैंने एक स्वेटर है उसमें स्काई ब्लू कलर की मतलब इस जैसे कलर की है, तो वो देखी ना मैंने, और मैंने उसको बहुत टाइम लगाया मतलब और पैटर्न उतारने के लिए। मैंने और उसे पूछा मैं कि आपको आता है, मैंने किसी को नहीं आता था वो। और मैंने उस रात मतलब लगभग 2 बजे तक मैं लगी रही, उलझती रही थी, और फिर मैंने वो पैटर्न जो है उतार लिया था, और वो भी मैंने मतलब शेयर किया है। ये भी मामा ने मेरे लिए बनाई है, बहुत लंबी थी। हाँ, ये भी बहुत, अब तो बहुत छोटी हो गई ये, जब ये स्कूल में लगाई थी ना। और इसके ऊपर जो फ्लावर है ना बहुत, और यही था मेरा वो पहला पैटर्न जो मेरा मतलब वायरल चला गया था, जिसे मतलब जिसकी वजह से फिर मुझे लगा था लगने की भाई अब मेरा चैनल चल पड़ेगा, कुछ करेगी कुछ करेगी नहीं। और मतलब जैसे ही मैंने डाला था ना ये, जिस दिन डाला था ना उसके अगले ही दिन इस पे व्यूज आना शुरू हो गए थे, मतलब पता नहीं 100-200 इस तरह से आ गए थे। तो फिर जैसे मैंने एक हफ्ते बाद देखा तो 1000 में व्यूज आ गए थे। फिर मैंने लगातार मतलब मैं एक भी दिन स्किप नहीं करती थी, 2-2-3-3-4-4 मतलब ऐसे डालती गई। और ये देखो इसमें जो बॉर्डर वाला, ये पीछे से मैंने वैसे बना दिया, जैसे पीठ में ज्यादा ठंड लगती है ना, तो ये वैसे बना दिया था। तो मैं अपनी तरह, ऐसे नहीं कि भी किसी ने देखा है वो है उस तरह का, मैं करती थी मेरे को अपने माइंड से मतलब जो मेरे को चीजें अच्छी लगती थी वो डाल देती थी। और फिर जब हम नेटिंग करने लगते हैं ना तो आइडियाज, क्योंकि मैं तो हूँ भी इसी फील्ड से ना, कंप्यूटर आईटी ब्रांच थी मेरी ना, चले बस तो फिर बस इतना कर बोलने दो ना, कंप्लीट तो सेंटेंस को करने दो। ओके, फिर तो मतलब कि पैटर्न्स को मैं अपने हिसाब से फिर तैयार कर देती थी, जैसे पता चल जाता ना वहां पे भी हम बहुत सारी चीजें ऐसे सीखते थे, बड़ी चीजें थी, तो उस वजह से मेरे को एकदम से मैं मतलब सारी भाई जल्दी कर लो ब्रेकफास्ट। तो जी ब्रेकफास्ट आ गया है, जैसा आप देख रहे हैं चाय आ गई है, और साथ में यहाँ पे बच्चे कर रहे थे बहुत ज्यादा शोर, इसलिए बॉयज को मुझे हटाना पड़ा। और ब्रेकफास्ट आ चुका है, तो जब मुझे ना ब्रेकफास्ट के लिए कुछ नहीं सूझता, ब्रेकफास्ट क्या कभी भी जब मुझे ऐसा लगता है कि भाई क्या बनाएं खाने में, सब्जी बनाने का मन नहीं हो, तो मैं क्या करती हूँ कि घर में जो कुछ भी पड़ा हो, जैसे गाजर, मूली,
पत्ता गोभी गोभी जो कुछ भी है उसको सबको मैं ग्रेट करके आटे में मिक्स कर देती हूँ, सारे मसाले ऐड करके, और फिर आटा बना लेती हूँ और उसके फिर बना देती हूँ परांठे, जो कि सबको अच्छे लगते हैं। ऐसे अगर आप बोले कि गाजर मूली बच्चों को खिलाना है तो वो खाना पसंद नहीं करते हैं, इवन मेरे जनाब के साथ भी यही प्रॉब्लम्स रहती है। तो फिर इस तरह से परांठे सबको ही अच्छे लगते हैं और मेरे लिए भी एक बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। तो यहाँ पे चाय भी लेकर के आई थी, यहाँ पे देखा कि जनाब ने अपने फेस पे लगा रखा था कुछ फेस पैक, क्योंकि इन्होंने शेव करी थी, जब भी ये शेव करते हैं ना तो इस तरह से फेस पैक भी यार। लगाते हैं। अरे मैंने जल्दी जल्दी में ऐसे कर दी पोनी ना, और बाल उजे हुए सर्दियों में ज्यादा उधेड़ते हैं बाल, हेलो, पर अब टाइम नहीं है ना कि मैं कुछ कर सकती, इसलिए मैंने थोड़े थोड़े से सुधार दिए। चल बैठ जो बाहर, मतलब यहाँ धूप में बैठना शान भी है मार। कई कई बार क्या होता है कि मैं बिना कंघी के भी चली जाती हूँ ऐसी महान हस्ती हूँ मैं, ठीक है। और ये रहा मेरा वही पुराना सूट, जब भी मैं इसको प्रेस करती हूँ ना जूते किसके पड़े हैं वहाँ पे, तो ये बिल्कुल ही नए जैसा लगना लगता है ना। शांति और मिठू को मैंने बड़ी बार समझाया पर ये मानते नहीं है ना, ये तो बस हो गया जो भी है मैंने। चलो तो चलो, मैं कुछ नहीं, कितने लाइट ऑन है, जल्दी कर यार, जल्दी जल्दी कर दे बेटा, गर्मी है ना, धूप लगती है, ले पकड़, तो उस वजह से मुझे तो भाई ठंड लगती है। आपको तो लगती है लेकिन हमें नहीं लगती ना, और इसलिए मैंने जैकेट अपने हाथ में ले लिया ना, क्योंकि फिर तो लगेगी ना, जैसे क्या पता जहाँ हम जाएंगे वहाँ पे धूप बहुत अच्छी ना हो, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए ना अपने साथ, सारी चीज़ों को मौजूद रखना चाहिए। ऐसी ऐसी ये बात देखे ना, ये गोबर बड़ वाली है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं घर से, एक्चुअली आज ना मेरी फर्स्ट पब्लिक मीट है, सर आए हुए थे ब्रांच से, तो उनके साथ ही मैं और हस्बैंड जा रहे हैं, तो नया एक्सपीरियंस भी होगा। और बाकी आपको टिपिकल विलेज एरिया में भी लेके चलती हूँ। अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे, ये एक्चुअली वही वाली जगह है जहाँ पे हमारी जो स्टे वाली प्रॉपर्टी है ना, तो मैं बस वही आपको दिखा रही थी। ब्लॉग तो मैंने प्रॉपर बनाया था लेकिन बीच में पता नहीं कहाँ से गड़बड़ हो जाती है, तो चलिए मैं बताती हूँ। मैं बोल क्या रही थी, मैं आपको ये जस्ट दिखा रही थी कि ये जो पिलर्स हैं खड़े हुए, लगभग 4 साल से भी ज़्यादा का टाइम हो चुका है। चलो ये तो घर घर की कहानी होती है, नहीं तो कोर्ट कचहरियाँ चलेंगी कैसे, है ना, तो ये सब वाक्यात नहीं होंगे। तो ऐसी ऐसी है बात। और बाकी यहाँ पे हम इसलिए रुके थे क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कुछ, जो आपने देखा ट्रैक्टर में पत्थर वत्थर डाल रहे थे, अब चलो स्टे है तब भी देख रेख तो करनी पड़ती है ना, तो ऐसा कुछ नहीं था, बस यही चीज़ हम देख रहे थे। और बाकी फिर निकल पड़े आगे की तरफ। आज हम लोग जहाँ जा रहे हैं ना, तो मैं भी बहुत सालों के बाद जा रही हूँ उस वाले एरिया में, जब मैं अनमैरिड थी तो उस टाइम पे स्कूल था उस साइड को, तो तब जाती थी, अदरवाइज़ बहुत सालों के बाद मैं भी, मतलब थोड़ा सा चीज़ें मतलब बहुत चेंज हो जाती हैं। और यहाँ पे क्लिप तो खैर मैंने नहीं बनाया उस हिसाब से, लेकिन थोड़ा सा जैसे हमारे को भी फॉर्मेलिटी होती है कि फ़ोटो वगैरह क्लिक करके ग्रुप में आगे सेंड करने होते हैं, तो वो चीज़ ले रही थी मैं, तो उस टाइम का थोड़ा सा है मेरे पास, वही शेयर किया। बाकी मैंने ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं करी है। तो अभी मीटिंग हो गई है, फील्ड पे गए हुए थे हम, तो अभी आगे भी है, काफ़ी सारे क्लाइंट है, गाड़ी यहाँ पे साइड में आ जाओ, नहीं तो ऐसे नहीं ठोक के चले जाए, गाड़ी में थोड़ा इधर को आओ, देखो मैं वो व्यू वो दिखाती हूँ, देखो नीचे वो है, ओ तेरी देखो कितनी बड़ी खाई है ना, ये कैसे पड़ी है खाई, पता नहीं हुआ होगा कुछ, तो बारिश के टाइम पे लग रहा है मेरे को, तो बहुत खाई है ना। और बस अभी चलने वाले, गाड़ी वहाँ पे खड़ी की हुई है, सर की गाड़ी है, तो सर साथ में आए हुए हैं, बस अब सर आने वाले हैं, उसके बाद और भी क्लाइंट हैं उनसे। चलो इस बहाने आपको भी नई नई जगह विजिट कराया हमने, आपको भी नई नई जगहों की शेयर हाँ, करा रहे वही, हैं, वही, वही, वही। तो ऐसे ऐसे है, आप बिलीव नहीं करोगे ना, लेकिन अभी भी जैसे कोई नोन होते हैं विलेज एरिया है, तो मैं ना अभी भी शर्माती हूँ ब्लॉगिंग करने से, पता नहीं क्यों, लेकिन हो जाता है, मतलब थोड़ा सा अजीब सा फील करती हूँ, इसलिए मैं मैक्सिमम
कोई बात नहीं, अब आगे से मैं प्रॉपर किया करूँगी, क्योंकि कुछ एक लोग शौक भी रखते हैं, जैसे यहाँ पे ये लेडीज़ बोल रहे कि भैया हमारा तो लिया नहीं आपने, तो मतलब मैं खुद से ही अपने अंदर से ही वही बात होती है ना, तो कंफर्टेबल फील नहीं करती कभी कभी। और बाकी यहाँ पे धाम भी बनी हुई थी, एक्चुअली यहाँ पे बर्थडे था किसी का, तो उस वजह से तो फिर इन्होंने बोला कि नहीं आप भी लीजिए, तो हमने फिर खाया। तो जी अभी हमने जला ली है आग, जैसा आप देख सकते हो, और आग सेक रहे हैं हम लोग बाहर, मौसम है बिल्कुल ख़राब। और ये जी देखिए कोई आ गया है यहाँ पे। तो जी जनाब क्या लेके आए आप? सब्जी भाजी लेकर के आ गए ये, और देखते हैं भला क्या क्या लेके आए हैं ये। मटर नहीं छिले हैं? मटर अभी नहीं छिले मैंने, मैं कर रही थी एडिटिंग का काम ना। ये तो हमारा देखो सलाद तो हम डेली खाते हैं मूली का। अच्छा जी, ये तो मतलब ये नहीं है ना कि बिना मूली के कुछ भी डेली है। फिर जी ये लेके आया हूँ चीकू है, शानवी के फेवरेट, साथ में पनीर बहुत दिनों बाद खाया। फिर उसके बाद ये शानवी के लिए अनार है, फिर मैंने अपने लिए संतरे हैं, गाजर है, गाजर अच्छा गाजर का हलवा, ये बड़ा पसंद है। एक परसों भी लाया था मैंने, इसमें रस ज्यादा, मीठा रस ज्यादा है ना इसके अंदर, अनारों के अंदर। हाँ? कोई नहीं मैं छिलती हूँ अभी, एक बच गया वो पीछे वाले। हाँ तेरा ही है, शानवी का है, शानवी को जो भी काम था टास्क था सब हमने किया, ठीक है। अब हम घर पे पहुंच गए हैं, सब्जी में लिया है, और मेरा काम है सब्जी बनाने का, वो आज मैं बना रहा हूँ मटर पनीर। क्योंकि मिट्टू ने बोला था कि यार पनीर हमने बहुत दिन से नहीं खाया, क्योंकि अब पनीर को अवॉइड ही कर रहा था, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाता है। तो मैंने जो अपना मतलब कल ही वो टेस्ट करवाया था लाल पैप से, तो मेरी रिपोर्टें हैं वो ठीक है, मतलब कोलेस्ट्रॉल ओवरऑल ठीक है, क्योंकि मैं कभी कभी हफ्ता भर वो टेबलेट भी खा लेता हूँ, तो मतलब ओवरऑल ठीक है। तो मेरा दिल किया कि नहीं यार आज पनीर खा लेते हैं, ओवरऑल ठीक है। तो इनका दिल किया कि अब जो जो दिल में आए वो खाओ पियो मौज करो, है ना, पर इनके खान पान पे कंट्रोल करना पड़ेगा। और अभी हम सेक रहे हैं आग, आज पूरा दिन बहुत ही ज्यादा बिजी रहा। हम लोग गए थे, एक्चुअली हमारा ऐसा होता है कि भी ऑफिशियल वर्क तो होता ही होता है, लेकिन थोड़ा फील्ड वर्क भी होता है, तो कभी हमें जाना पड़ता है, जैसे जो भी रिक्रूटमेंट्स हुई होती हैं, जो लाइसेंस आते हैं तो उनको भी थोड़ा बताना पड़ता है, या मतलब बड़ी सारी चीज़ें होती है, ट्रेनिंग देनी होती है एक थोड़ी सी। और मतलब ये तो आपको पता है कि बैंकिंग का काम जो होता है वो सारा बैंक में तो होता ही होता है, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मैं एजेंसी चैनल से हूँ, तो उसमें फील्ड का भी होता है बीच बीच में, तो ये भी मेरी पूरी पूरी हेल्प कराते हैं, तो ये भी साथ ही थे। और हम जो भी था स्टाफ पूरा, मतलब पूरा तो नहीं भाई, जैसे सर आए थे तो उनके साथ थोड़ा हुआ। और अभी बिल्कुल मतलब हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, थक गए हैं पूरे हाल से। आजकल पता नहीं क्या होता है ना, जब मैं गाड़ी में जस्ट बैठती हूँ ना, तब भी मेरे को ऐसा फील होता है, ऐसे बोले ना कोई कहीं जाना है, तो मेरे को पहले ही ऐसे लग जाता है कि मेरे को वॉमिटिंग आ रही है, होता है ना ऐसे, तो मेरे को वैसा सा फील होता है। और फिर डीजल वाली गाड़ी होती है तब तो फिर मेरे को और लगता है वैसे कि अच्छा अब तो पता नहीं क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो फिर चलो जो भी था, मतलब अभी ना थोड़ा मतलब सर थोड़ा हैवी सा है, और अभी मटर छिलूंगी मैं और फटाफट से लगेगा तड़का, क्योंकि यहाँ पे चली हुई है आग, तो मैं तो प्रेफर करूंगी कि आग पे ही बनाया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आग सेकते रहेंगे साथ साथ बनता भी रहेगा। लेकिन आपको जो अच्छा लगे आप वो कीजिए, मैं बनाऊंगी फटाफट से चपाती, और बस बच्चों का थोड़ा बहुत देखना है क्योंकि उनको भी पढ़ाने का थोड़ा सा है, और बाकी फिर कल 25 है ना। हाँ जी, हाँ जी। क्या है कल? कल क्रिसमस है। हाँ तो हैप्पी क्रिसमस, बट कल करेंगे ना अभी थोड़ा एडवांस। हाँ जी, हाँ जी। तो बस फिर ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहे हैं। ओके, नमस्कार, बाय।